जहां एक तरफ वसुंधरा राजे नाराज नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहा है। 25 लोकसभा सीटों पर राजस्थान की भाजपा की नजरें हैं, क्योंकि लगातार भाजपा की इन सीटों पर अच्छी खासी पकड़ रही, लेकिन इस बार एक गलती की वजह से इन सीटों को खोना नहीं चाहते। सबको नजर आ रहा है कि वसुंधरा राजे के खिलाफ ही कई फैसले हुए, जिसकी वजह से वसुंधरा राजे कमजोर दर्शाएगा और भाजपा आला कमान को ज्यादा ताकतवर। पहला फैसला ये था कि भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि ज्यादातर नेता कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे का समर्थन कर रहे थे, ये आप भी जानते भली भांति, क्योंकि जो विधायक चुनकर आए उसमें 2 दर्जन से ज्यादा विधायक वसुंधरा राजे के समर्थक माने जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा फैसला यह था कि वसुंधरा राजे को लगा कि जो कैबिनेट विस्तार होगा उसमें उनके समर्थक नेताओं को ज्यादा जगह मिलेगी, जबकि इस बार भजनलाल शर्मा की जो सरकार बनी उसमें कैबिनेट के जो पद बांटे गए उसमें ज्यादातर युवा और नए चेहरों को हमें देखने को मिला, जो दूसरा बड़ा झटका वसुंधरा राजे के लिए बताया जा रहा था। तीसरा ये कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां भाजपा ने शुरू कर दी, लेकिन पहली ही बैठक का हिस्सा वसुंधरा राजे बनती नजर नहीं आई, जो भाजपा के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि वसुंधरा राजे भले ही इस समय नाराज हो लेकिन एक एक्सपीरियंस नेता, उनको हर एक सीट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो वह जानती हैं भली भांति कि जनता का रुख जमीनी स्तर पर क्या हो सकता है, उसका फायदा वह उठा सकती हैं भाजपा के खिलाफ। लेकिन भाजपा शायद ऐसा मौका बनने ना दे, क्योंकि अंदर खाने खबरें हैं कि इस बार झालावाड़ से ही वसुंधरा राजे को लोकसभा चुनाव के लिए उतारा जा सकता है। भले ही 2023 में वसुंधरा राजे को नाराज किया हो, लेकिन साल 2024 वसुंधरा राजे का रह सकता है। उनको आगे बढ़ाने को लेकर कहीं ना कहीं आलाकमान मन ही मन विचार कर रहे होंगे कि वसुंधरा राजे ने अब तक राजस्थान की राजनीति में बीजेपी के लिए काफी मेहनत की, काफी ज्यादा जनता का जन समर्थन जुटाया, तो क्यों ना अब उनका राष्ट्रीय स्तर तक इस्तेमाल किया जाए। ये पहली बार नहीं है जब ऐसा सोच विचार किया जा रहा, जबकि साल 2014 में भी ऐसी ही सोच विचार थी कि बीजेपी चाहती थी कि वसुंधरा राजे एक बार फिर से आगे आए, कैबिनेट में उनको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा उनका फैसला था कि वे राजस्थान की राजनीति तक रहना चाहती हैं। खबरें तो इस बार बात पर भी थी कि उनको अलग अलग राज्यों में राज्यपाल की भूमिका के लिए भी आगे नियुक्ति की जाती, लेकिन तब उन्होंने वह भी इनकार किया और आज भी शायद उनका उसी फैसले पर इनकार होगा। ये मीडिया रिपोर्ट्स की खबरें थी, लेकिन फिलहाल चर्चा है कि जिस सीट से उनके बेटे दुष्यंत को उतारा जाता है लोकसभा चुनाव में, उस सीट से वसुंधरा राजे को आगे करने की चर्चा हो रही है। क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव में वसुंधरा को उतारने का विचार किया जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि दुष्यंत और वसुंधरा दोनों, यानी कि माँ बेटी की जोड़ी को दोनों को बीजेपी टिकट दे दे, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि वे परिवारवाद के टैग से बचना चाहती हैं। लेकिन देखा जाए तो दोनों ही बीजेपी के नेता हैं, दोनों ही बीजेपी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, और ऐसे में वसुंधरा राजे उतरना चाहेंगी या नहीं चाहेंगी, ये उनका अपना निजी फैसला हो सकता है। फिलहाल तो इस मामले पर ना ही भाजपा की तरफ से कोई खबरें हैं, बस खबरें सोशल मीडिया तक ही सीमित है। कयासों का बाजार गर्म है कि नाराज वसुंधरा को आखिर क्या जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव भी लड़ाना चाहते हैं तो वसुंधरा राजे तो पहली ही बैठक में शामिल नहीं हुई, उसके आगे हम क्या ही उम्मीद करें। 25 सीट की बात है और ऐसा नहीं है, क्योंकि 25 सीट भले ही 540 प्लस की सीटों में बहुत कम नजर आती है, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये वो राज्य हैं जहां से भाजपा अच्छी खासी जीत मिलती है, और इन राज्यों को जीतकर भाजपा हमेशा ही अपना बहुमत बरकरार रखती है, तो इस बार भी वही करना चाहेगी। लेकिन अगर राज्य की नाराजगी रही तो ऐसे में जनता की नाराजगी का सामना बीजेपी को करना पड़ सकता है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।